सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज लाइव। ईजे न्यूज में आपका स्वागत है। देगलूर के शिवसेना के माजी आमदार सुभाष साबने का आज बीजेपी में प्रवेश हो गया। उसी के साथ उन्हें देगलूर बिलोली मतदार संघ से बीजेपी का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। चंद्रकांत दादा पाटिल के हाथों उन्हें प्रवेश दिया गया और उन्हीं के हाथों उम्मीदवारी भी दी गई। उनके साथ अनिल पाटिल खानापुरकर, संतोष पाटिल, विक्रम साबने और बहुत सारे नागरिकों ने बीजेपी में प्रवेश किया। सिद्धेश्वर मंगल कार्यालय में ये प्रोग्राम आयोजन किया गया था। वाजे रहे कि आज माजी आमदार सुभाष साबने ने पहली बार अपना पक्ष बदला है। इस अवसर पर वो अपने भाषण में भावुक भी हो गए थे और उन्होंने शिवसेना छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार की जानिब से उन्हें और उनकी फैमिली को हर वक्त नज़रअंदाज किया जा रहा था। उसी से नाराज़ होकर वो शिवसेना को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर मंगल कार्यालय खचाखच भरा हुआ था और जमकर नारेबाजी हो रही थी। अब देखना यह है कि देगलूर बिलोली मतदार संघ में सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, अभी कहना मुश्किल है। हर दिन अपडेट न्यूज़ के लिए बने रहिए ईजे टीवी न्यूज़ लाइव के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ईजे न्यूज़, नांदेड़। सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज़ लाइव।